कर्म के कांटे भी सहने होंगे। अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास कर संयम भी रखना होगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसी सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ना होगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे धनवान हो या धनहीन। अगर धन से मुस्कुराहट खरीदी जा सकती तो गरीब की झोपड़ी से कभी मुस्कुराहटों की आवाज़ नहीं आती। धन से तन का सुख और सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन मन का सुख और शांति नहीं। मनुष्य धन से नहीं, बल्कि अच्छी सोच, मधुर वाणी और अच्छे विचारों से धनवान बनता है। मन की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। मन का सुख, शांति, संतुष्टि ही वास्तविक सुख, शांति, संतुष्टि है। जीवन में दुख और संघर्ष आते जाते हैं, कभी भगवान की परीक्षा के रूप में, कभी विश्वास की परीक्षा के रूप में। लेकिन दुख और संघर्ष ऐसा आ जाए कि वापस लौटकर जाने का नाम ही ना ले, तुम तनाव के सागर में डूब जाओ, चारों ओर अंधेरा छा जाए, तब समझ लो मन को सही दिशा की ओर लेकर जाने का समय आ गया है। संसार की माया की पट्टी जो आंखों पर बंधी है, उसे हटाने का समय आ गया है। मन के भीतर झांकने का समय आ गया है। स्वयं को खोजने का समय आ गया है। सद्गुरु रूपी ज्ञान सूर्य के मार्गदर्शन से परमार्थ की ओर बढ़ने का समय आ गया है। तब तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम्हारा मन, विचार, वचन, कर्म ही तुम्हारे सुख या दुख का कारण है। सुख, शांति, संतुष्टि सब तुम्हारे मन के अंदर ही है। उन्हें स्वयं के अंदर खोजने के बजाय तुमने मन को व्यर्थ बातों में व्यस्त किया था। संसार की कलहल से दूर हो जाओ, मन को शांत करो, मन को पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लगाओ, उनका स्मरण, ध्यान, नाम जप करो, भजन सुनो, मन निर्मल हो जाएगा और ऐसे निर्मल मन में सुख, शांति और संतुष्टि का भाव जीवित रहेगा। भक्ति दिखावे से नहीं, मन से की जाती है। अगर मन से भक्ति करोगे, ईश्वर को याद करोगे, तभी तो उन तक पहुंच पाओगे। संसार के लिए अश्रु बहाने से क्या मिलेगा, ईश्वर के लिए आंसू बहाकर देखो, उनसे प्रेम करके देखो, दुखों का विस्मरण होगा, सुख का एहसास होगा, सुख, शांति, संतुष्टि और परमानंद की प्राप्ति होगी, तनाव मुक्त हो जाओगे। कुछ लोगों को दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए, वे तुम्हें दुख दे, रुलाए, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। अगर मर्यादा उल्लंघन हो जाए तो शब्दों की गरिमा बनाए रखते हुए जवाब दे। अपने ईश्वर पर आस्था बनाए रखना। ईश्वर के दरबार में सबके कर्मों का हिसाब होता है। रोना केवल परमात्मा के सामने, संसार के सामने नहीं। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष रूप से नज़र होती है। वे वही करते हैं जो भक्तों के लिए योग्य होता है।
कोई विशिष्ट पूजा अर्चना नहीं, उन्हें केवल भक्ति भाव चाहिए। भक्ति में लीन हो जाए, ध्यान में लीन हो जाए, न उदासी होगी न चिंता होगी। परमात्मा है, वह सब संभाल लेंगे, यह भावना जागृत होगी। आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होगा। आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहे, श्रद्धा और सबूरी रखें, प्रार्थनाओं के उत्तर समय पर मिल जाएंगे। खुश रहें।